अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैर से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन दे रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो की पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है आज की, बहुत इबरत वाली वीडियो भी, कि आजकल का माहौल जो ऐसा हो गया है कि हमारे बच्चे बहुत ख़राब हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और उनको मतलब उनकी जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर भी आती है, जैसे कि एक बिस्तर में सोने से भी मना किया गया है, चाहे बहन भाई हो या छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, मतलब बहन बहन एक बिस्तर में नहीं सो सकते हैं। इसी तरह से भाई भाई भी एक बिस्तर में नहीं सो सकते हैं। बच्चे जैसे थोड़े से बड़े होते हैं, उनका बिस्तर उनका कमरा हो सके तो अलग कर दें। तो और ख़ास करके मोबाइल से आजकल बच्चे बहुत ख़राब हो रहे हैं, बहुत बर्बाद हो रहे हैं। माँ बाप उन पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चा ने ज़िद किया, पकड़ा दिया मोबाइल, बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है कुछ पता नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें बच्चों को बचाएं इन सब चीज़ों से। ये वीडियो इसी टॉपिक पे है और वीडियो को इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना फरमाया है, और साथ ही साथ सोने के आदाब भी आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर मोड़ पर हमें सही रास्ता दिखाया है और एक कामयाब जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। यानी जिंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने हमें सही और सीधा रास्ता दिखाया है, यहाँ तक कि नींद की हालत को भी नहीं भूला, वो नींद जिसमें इंसान तकरीबन अपनी एक तिहाई जिंदगी गुजार देता है। इस्लाम ने उसके बहुत से आदाब और सुन्नत बताए हैं, जो शख्स इस पर अमल करेगा उसे सुकून और इत्मीनान की नींद नसीब होगी, परेशानी बेचैनी और बेखाबी से छुटकारा मिलेगा। सोने के आदाब में से एक अदब यह है कि जल्द से जल्द सोएं और बगैर ज़रूरत के जागने से परहेज़ करें। हज़रत अबू बरजा असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोने को और इशा के बाद बातचीत करने को नापसंद करते थे। सोने का दूसरा अदब यह है कि इंसान दाएँ करवट पर सोए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाएँ करवट पर सोया करते थे और उनका हुक्म भी इरशाद फरमाया है। हज़रत बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर लेटा करते थे, और हज़रत बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाएं करवट पर ही लेटने का हुक्म दिया। दाएं करवट पर लेटना ही अफजल है, चाहे क़िबला की तरफ मुँह हो जाए या पेट, या क़िबला दाएँ हो या बाएँ, दाएँ करवट पर ही लेटना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी का हुक्म फरमाया है। तीसरा अदब यह है कि इंसान लेटते वक्त दाएँ हाथ को दाएँ रुखसार के नीचे रख ले, यानी दाएँ गाल के नीचे रख ले। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर पर आ जाए तो अपना बिस्तर झाड़ ले, इसलिए कि वो नहीं जानता कि क्या चीज़ उसकी गैर मौजूदगी में उसमें दाखिल हो गई है। सोने से पहले हाथ और मुंह में गोश्त चर्बी वगैरह की महक हो तो इसको धो लेना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ में गोश्त या चर्बी की महक या उसका असर मौजूद हो और उसे धोए बगैर सो गया, फिर उसे कोई मुसीबत पहुँची तो उसे चाहिए कि वो अपने आप को ही कोसे। सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को ढाँप देना चाहिए। सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढांपें। अगर कोई चीज़ ना मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर उन पर रख देनी चाहिए, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़ों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। सोने से पहले आग और चिराग बुझा दिया करें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सो जाओ तो चिराग बुझा कर ही सोना और दरवाज़ा बंद कर दो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए ना छोड़ो, और एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि कभी कभार चूहा चिराग की बत्ती को भड़का कर घर वालों को जला डालता है। ऐसी छत पर सोना मना है जिसके चारों तरफ कोई आड़ ना हो जो गिरने पड़ने से रोक सके। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी छत पर सोए जिसके चारों तरफ कोई आड़ ना हो और वो ऊपर से गिरकर मर जाए या उसे कोई नुकसान पहुंचे तो इसका जिम्मेदार वो खुद है। दोस्तों, ये थे कुछ सोने के आदाब जिनको बताना मैंने ज़रूरी समझा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो भाइयों बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना फरमाया है। दोस्तों, इस्लाम बहुत ही साफ़ सुथरा और पाकीज़ा दीन है। इस्लाम जहाँ ज़ाहरी गंदगी से बचने की अपील करता है, उसके साथ साथ ऐसे इंतज़ाम भी इंसानों को देता है जिससे हर शख्स की रूहानी तरबियत भी होती है। इस्लाम ने माँ बाप के लिए जहाँ उन्हें खुद गुनाह के कामों से बचने का हुक्म दिया है, वहाँ पर उनके बच्चों के लिए भी हुक्म दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएँ तो उन्हें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दें, और जब 10 साल के हो जाएँ तो उन्हें नमाज़ ना पढ़ने पर मारें और उनके बिस्तरों को जुदा जुदा और अलग अलग कर दें। अल्लामा महमूद मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह अबू दाऊद की शरह में लिखते हैं कि उनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो। इसका मतलब यह है कि उनके सोने की जगह अलग अलग बनाओ, इसलिए कि जब वो 10 साल को पहुँचते हैं तो वो बालिग होने के करीब हो जाते हैं,
उनकी शहवत ज्यादा होती है और उनके बिगड़ने का ज्यादा डर होता है। ये इस बात का सबूत दे रहा है कि औलाद के माँ बाप पर वाजिब है कि बच्चे जब 10 साल की उम्र को पहुँच जाएँ तो वह बच्चों के बिस्तर अलग करते हैं, चाहे वो भाई ही क्यों ना हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बच्चों को अलग अलग बिस्तरों पर सुलाने का जो हुक्म आज से 1400 साल पहले दिया था, आज की मेडिकल साइंस न सिर्फ इसको मान रही है बल्कि इस पर जोर देते हैं, इसके फायदे गिनवाते हैं और इससे लापरवाही बरतने पर बुरे अंजाम से भी डराते हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं कि ज़रूरी है कि बच्चों को एक बिस्तर पर ना सोने दिया जाए और बेहतर तो ये है कि इन्हें एक कमरे में भी ना सुलाया जाए, क्योंकि जो बच्चे लगातार एक बिस्तर पर सोते हैं उनके अंदर रगड़ और जिस्मानी मिलाप की बीमारी पैदा होती है और धीरे धीरे ये बच्चे जिनसी खेल खेलने लगते हैं। सोने वाले कमरे में माँ बाप के साथ साथ बच्चों का सोना भी किसी सूरत हिकमत से खाली नहीं है, क्योंकि बच्चे देखने में सोए हुए नजर आते हैं लेकिन हकीकत में वह जागते होते हैं। 2-3 साल के बच्चों का भी आमतौर पर यही हाल होता है। ऐसे बच्चे जागते ही अपने माँ बाप को जिनसी मिलाप की हालत में देख कर डर जाते हैं और अक्सर उनका बुरा हाल होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि गहरी अंधेरी रात भी उनकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकती, इसलिए कि कुछ जिनसी हरकतों के होने की वजह से भी छोटे बच्चों की नींद उड़ जाती है और ये नौ उम्र बच्चों में जिनसी ख्वाहिशात उभरने लगते हैं और शुरू से ही उनकी आदतें भी बिगड़ने लगती हैं। और इन बिगड़ने वाली आदतों को हम बहुत ही आसानी के साथ बिस्तर अलग ना करने की सूरत में जोड़ सकते हैं, जिसमें बच्चे माँ बाप के साथ एक कमरे में सोते हैं और उनकी हरकतों से मुतासिर होते हैं, जबकि शरीयत की तरफ से इस पर बहुत सख्ती की गई है। इसलिए माँ बाप को इस सिलसिले में बड़ी एहतियात और सख्त परहेज़ की ज़रूरत है। अल्लामा मुनावी जामे सगीर की शरह में लिखते हैं कि जब तुम्हारी औलाद 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उनके वो बिस्तर जहां वो सोते हैं जुदा जुदा कर दो, शहवत की मुसीबतों से डरते हुए अगरचे दो बहनें ही क्यों ना हो। इस तरह एक रिवायत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मर्द मर्द की सतर यानी शर्मगाह की तरफ ना देखे और ना ही औरत औरत की सतर की तरफ देखे, और मर्द एक मर्द के साथ एक कपड़े में जमा ना हो और ना औरत औरत के साथ एक कपड़े में जमा हो। इस हदीस में भी यह हिकमत है कि मर्द और जन बुराई से बचे रहें और अपने आप को गुनाह से बचाए रखें, क्योंकि जब तन्हाई और एक ही बिस्तर में उन्हें सोने की जगह मिलती है तो शैतानियत का दरवाज़ा खुलने में देर नहीं लगता। इसलिए इस्लाम ने इस दरवाजे को बंद करने के लिए ये तालीम दी है कि 10 साल जो शऊरी उम्र की शुरुआती होती है उससे ही पाबंदी कर दी जाए ताकि बुराई के रास्ते बंद हो जाएं। इसलिए हमें इस बात की तरफ खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से जोड़ने के लिए पूरी मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। और याद रखें मेरे दोस्तों, अपने छोटे बच्चों को चाहे वो 10 साल का ही क्यों ना हो या 15 साल का ही क्यों ना हो, उनको मोबाइल ना दें। अगर आप उनके हाथों में मोबाइल देते हैं और वो किसी कोने में जाकर अपने छोटे भाई को ले जाकर अगर वो कोई भी चीज़ देख रहे हैं, मसलन आपको पता है कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहा है, वो तो कोई गेम खेल रहा होगा या वो कोई कार्टून देख रहा होगा, ऐसा हमें लगता है, लेकिन आज का एल्गोरिदम इतना फास्ट है, आज की सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, इतना मॉडर्न हो चुका है कि बच्चों के सामने भी ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो इनको रोकने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप सबसे पहले करें, उसके बाद ही बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दें। और ज़रूरी है कि आप हर वक्त उस मोबाइल की हिस्ट्री को, उस मोबाइल के डेटा को आप ज़रूर चेक किया करें। तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की देखभाल करें, अपने बच्चों पर नज़र रखें। तो मेरे दोस्तों ये हमारा रिएक्शन जो हमने देखा, बेहतरीन वीडियो है और वाकई में आजकल हमारे बच्चे मतलब लड़के लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। इनमें सबसे अहम रोल है मोबाइल का। रात रात भर लोग मोबाइल चलाते हैं, आधी रात तक मोबाइल चलाते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, तो ये बहुत गलत काम है। रात को जल्दी सोएं, कोशिश करें ताकि सुबह उठें जल्दी, फजर की नमाज़ पढ़ें, इंशाल्लाह ऐसा करें और अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और अपने बच्चों का ध्यान दें, छोटे बच्चे हैं, मोबाइल चलाएंगे उनकी आंखों पे असर पड़ेगा, आंखें इससे ख़राब होंगी, उनको चश्मा लग जाएगा, ये भी नुकसानदेह है, ठीक है। और जैसे कि अलग सोने के बताया गया, थोड़े से बच्चे जैसे बड़े हों तो उनको कोई करें अलग कमरा हो तो बहुत अच्छी बात है, या कि बिस्तर तो अलग कर ही दें, क्योंकि ये सब शरीयत के हिसाब से अच्छी बात है, इसको अलग कर देना। तो वीडियो ये बहुत अच्छी थी और अच्छी लगे आपको, इसको शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि जितने लोग सुनेंगे, देखेंगे, उस पर अमल करेंगे तो हम सबको उसका सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, मैं चाहता हूँ। तो कोशिश करें, इसको शेयर करें और लाइक भी करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।